पंजाबी स्टडी पॉइंट 63 वेख रहे सारे ही व्यूअर्स का इस चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मैं अमरजीत कौर अगली वीडियो लैके आप जी के सन्मुख पेश हैगी। तो इस वीडियो आप यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के BA के पांचवें समेस्टर की पाठ पुस्तक है जो मध्यकाली पंजाबी काव्य उस विच दर्ज पहला भाग है उसके कवि हैगे ने शेख फरीद जी। तो उसका दूसरा शब्द आपने पढ़ना हैगा जिहड़ा कि आदि ग्रंथ के जोड़े है पन्ना नंबर 794 ते दर्ज है। तो यह राग सूही दे विच हैगा। तो शेख फरीद जी बारे आप जानते हैं कि वह सूफी कवि सीगे। तो उन्होंने जोड़ा जन्म है वह 1173 ईस्वी के होया तो देहांत 1266 ईस्वी के होया। तो उन्होंने जन्म पिंड खोतवाल जिला मुल्तान के होया। उन्होंने जोड़े 112 श्लोक ते 4 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्ज ने। तो उन्होंने अपनी बाणी के संसार की नाशवंता मौत की अटलता प्रभु प्रेम गुरु की शरण नाम सिमरन निम्रता सबर शोकर वर्गे विषया की गल की हैगी है। तो जो अज का शब्द है उसका नाम है तप तप लोहे लोहे। तो हूँ इस शब्द के शेख फरीद जी ने विशा किस लिया है तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरियो। तो उन्होंने एक बिरहन स्त्री की मानसिक अवस्था का वर्णन किया है कि उसकी जड़ी अवस्था की है कि वह जीव स्त्री है जिसका मुख्य मकसद इस दुनिया के आके उस परमात्मा का नाम सिमरन करना है पर वह अजिहा नहीं करती तो फिर उसकी अवस्था जिहड़ी है बहुत माड़ी हुंदी है। तो उसनू जवानी का समय के यह काम याद नहीं आता बुढ़ापा होने ते फिर वह ना तो नाम सिमरन कर सकती है ना ही प्रभु प्रति पति का प्यार पा सकती है। तो फिर दुखी होई वह अवस्था की है वह दसते हैं कहें तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरियो। तो जीव स्त्री कहती है कि मेरा मैं जड़ी है बहुत दुखा के तप गई हैगी हाँ लोहे लोहे लोह होंगी है जिमें आप जानते हैं भी जेठ हाड़ के महीनों के तप की लोह होंगी हैगी कि मेरा जोड़ा मन लूहिया पिया है दुखी होया है अत्यंत दुखी अवस्था है हाथ मरोड़ियो मैं दुख के हाथ पैर मरोड़ रही हाँ बावल होई से सह लोरियो। तो मैं एक तरह कंबली हो गई हाँ तो मैं उस परमात्मा का जड़ा है जड़ा है उसका प्यार प्राप्त करना चाहती हाँ लोड़े मतलब उसकी इच्छा है मेरे मन के उस परमात्मा के नाल प्यार पाने की। तय सह मन मैं किया रोस। तो कहती है भी मैं अपनी मूर्खता दे विच सह दा अर्थ है प्रभु पति उहदे लई जिहड़ा है मन मह मन दे विच किया रोस मैं अपने आप ही उस प्रभु प्रति जिहड़ा है पति दे प्रति जिहड़ा है मन दे विच रोस पैदा किया है रोस पैदा हो गया है भी मैनूं उसका जिहड़ा है उसकी किरपा जां दया दृष्टि प्राप्त नहीं हुई मुझ अवगुण सह नाही दोस्ते। फिर वो अपने आप ही कहती है कि मैं ही अव जो अवगुण हाँ मेरे विच ही अवगुण ने तो उस सह ना ही दोष उस परमात्मा का इस गल कोई दोष नहीं है कि जेकर मैं उसकी कृपा प्राप्त नहीं हुई हैगी। तो अगले लाइन की कहती हैगी तैं साहब की मैं सार ना जाने। तो कहती हैगी कि समय सिर तो मैं उस परमात्मा का जोड़ा नाम सिमरन नहीं किया उसकी जड़ी बारे सोचा ही नहीं उस वच मन नहीं लाया जोवन खोए पछ है पछतानी। जदों हूँ फिर जवानी का समा लंघ गया तो मेरे विच इन्नी जिहड़ी ताकत नहीं हैगी है बुढ़ापे की उम्र के उसका नाम सिमरन करन दी तां फिर मैं हुण पिछों पछता रही हैगी हाँ कि मैं उस परमात्मा की सार नहीं जानी भाव उसका नाम सिमरन नहीं किया। काली कोयल तू कित गुण काली। हुण इत्थे अगली लाइनां दे विच उह बिरहन जिहड़ी स्त्री है जीव स्त्री है वह अपने दुख दे विच दुखी होई आले दुआले दे विचों एक ढारस भालदी जिवें आपां जाणदे हैगे हाँ कहिंदे हैगे असीं भी सावण दे जम्मे दे विच नूं हर कोई चीज़ हरी हरी नज़र आउंदी है भाव जिहड़ा व्यक्ति सुखी हुंदा है उसनूं सारी दुखी दुनिया सुखी लगती है जिहड़ा व्यक्ति दुखी हुंदा है उसनूं सारे संसार दे लोक ही दुखी नज़र आउंदे ने। ते उह आले दुआले नज़र मार के देखती है बिरहन स्त्री वह वेखदी है कि जिहड़ी काली कोयल है जिहड़ी उह इन्नी काली है तां फिर उहनूं पुछदी है भी आए ऐ काली कोयल तू दस इन्नी तेरा रंग इन्ना काला क्यों हो गया भी मैं तो चलो
मन लिया भी समय सर उस परमात्मा का नाम नहीं लिया ता करके मैं दुखी हो रही हैगी हाँ ताकि मैं तरक ता करके मैं कुरला रही हैगी उस परमात्मा की कृपा दृष्टि पाने लई। पर तू दस भी तेरा जड़ा इन्ना रंग काला किवें हो गया अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। तो फिर काली कोयल उसनू जवाब दिंदी है कि मेरा रंग इस करके काला हो गया है कि मैं उस प्रभु परमात्मा दे बिछोड़े करके मेरा रंग सड़ गया है काला पै गया हैगा। तो वह जड़ी जीव इसत्री फिर इस गल तो सिट्टा कढ़दी है बिरह पिहून कतह सुख पाए। तो की कहती हैगी है कि उस प्रभु परमात्मा की कृपा तो बिना बिरह पिहून उसकी कृपा तो बिना कतह कदे भी सुख पाए सुख प्राप्त नहीं हुंदा हैगा जा होए कृपाल ता प्रभु मिलाए। तो फिर की कहती है कि जो परमात्मा आप ही कृपा करे कृपाल कृपा करे मेहर करे कृपा की दृष्टि करे दया करे ता ही उस परमात्मा दे नाल मेल हुंदा है। तो इस तरह ब्रह्म दृष्टि अप जिहड़ी स्त्री है अपना जिहड़ा मन का दुख दसदी हैगी है। तो अगली लाइनों के फिर जीव स्त्री की कहती है बिदण खूही मुंद अकेली। तो जीव स्त्री कहती हैगी अगली लाइनों के कि मैं जड़ी हैगी इस जगत रूपी डरावनी खूही बिदण मूही जड़ी हैगी यह डरावनी जड़ी खूही हैगी खूही मुं जड़ी है मुंद अकेली मैं जड़ी स्त्री हैगी मुंद मतलब स्त्री तो बिंदण डरावनी भी यह संसारिक डरावनी खूही की तरह है। तो मैं जीव स्त्री इकली हैगी हाँ ना कोई साथी ना कोई बेली ना ही मेरा इत्थे के साथी है तो ना ही कोई मेरा मित्र प्यारा है कर कृपा प्रभ साध संग मेली। तो फिर वो कहती है भी परमात्मा की कृपा होगी मेरे ते तो फिर उसने मैनु साध संगत का साथ दे दिता मैनु साध संगत विच जाण दा मौका मिलिया तो फिर मैं परमात्मा का नाम सिमरन किया तो फिर की होया जा फिर देखा तो मेरा अल्ला वेली कहती फिर उस तो बाद जीव स्त्री कहती है भी जो मैं परमा साध संगत जाके परमात्मा का सिमरन किया तो फिर मैं समझ लग गई कि परमात्मा ही मेरा अल्ला वेली अल्ला ही वह परमात्मा ही मेरा असली साथी दोस्त मित्र है। तो अगली लाइन की कहती है जीव स्त्री बाट हमारी खरी उडीनी। तो की कहती है भी जिहड़ा हुण यह रस्ता उन्हें लभ लिया साध संगत प्राप्त की तो फिर उन्हें अनुभव किया कि जिहड़ा यह वाट हमारी खरी उडनी कि जिहड़ा फकीरी का रस्ता है बड़ा ही जिहड़ा है भयानक है तो उदास करन वाला है उडीनी हुंदा उदास करन वाला वाट रस्ता तो जिहड़ा है खन्न्यो तिखी बहुत पीण खन्न्यो तिखी भाव यह रस्ता जिहड़ा हैगा बड़ा ही औखा तो खंडे की धार नालों भी तिखा है खन्न्यो तिखी खंडे की धार नालों भी तिखा है अते बहुत ही बहुत तेज़ धार वाला है बहुत पीणी बहुत पतला है वो उत्ते जिम्मे खंडे की धार चलना पै जाए तो फिर बड़ा ही औखा हों खंडे की धार के उत्ते कि देखो बरीक हों उत्ते चलना पैना है ना तो बड़ा ही औखा हैगा तो यह रस्ता वह कहती है कि जेडे फकीरी का रस्ता है ये बड़ा ही औखा हैगा उस उपर है मार्ग मेरा। तो फिर हूँ उसने यह एक तरह का जिमें कहते हैं निष्ठा कर लिया हैगा एक तरह का दृढ़ इरादा कर लिया हैगा कि हुण असली मार्ग मेरा यही है खंडे की धार वर्गा जिहड़ा औखा रस्ता उस तो चलना ही मेरा असली रस्ता है शेख फरीदा पंथ समार सवेरा। तो इस तरह शेख फरीद जी कहते हैं कि उस प्रभु जिहड़ी है जीव स्त्री ने फिर उसनू जिहड़ा है इस चीज़ इस फकीरी के उत्ते रस्ते चल चल पी हैगी आ तो उस इस औखी बाट पर चलना उसने दृढ़ इरादा कर लिया है। तो इस तरह शेख फरीद जी कहते हैं कि हरेक जीव स्त्री सवेरा का मतलब है भी समय सिर जिहड़ा है इस जिहड़ा रस्ते ते चल पैना चाहिए हैगा उसनू सांभ लेना चाहिए है ता ही वह अपने इस जीवन के सच्चे परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो यह तो सीगा शब्द दे प्रसंग दस के व्याख्या तप तप लोहे लोहे का ठीक है। तो हुण आपां इहदा विशा वस्तु पढ़ते हैगे हाँ तो तप तप लोहे लोहे शब्द शेख फरीद जी रचना है। तो इस विच प्रभुपति तो बिछड़ के बिरहां विच तड़फ रही जीव स्त्री दे दुख नूं विशा बनाया हैगा तो यह एक सूफी रहस्यवादी भावां दे नाल भरी हुई रचना है। तो इस विच बाबा फरीद जी ने बिरहां दे दर्द नूं बड़े ही तीव्र भावां दे नाल पेश कीता है।
ਤੇ ਬਿਰਹਨ ਜੀ ਵਿਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਜਵਾਨੀ ਢਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਢੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁੱਛਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਰਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਪਈ ਵੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਬੇਲੀ ਸਾਥੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੰਡ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਖੜਾ ਰਸਤਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਗਣਹਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਖੜੇ ਪਿਆਰਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਸਦਾ ਬੇਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਪੰਧ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਕਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਇਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਰਹਾਂ ਦੀ ਸਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋੜੋਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੋਕਲਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਔਖੇ ਪੰਧ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੰਡ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਅਰਥਾਤ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਤਪ ਤਪ ਲੋਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ 'ਤੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਤੜਫ ਰਹੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 1% ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।